पंजाबी ढाबे में घुसकर देर रात अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि सितारगंज में देर रात 11:30 बजे SH हॉस्पिटल के पास पंजाबी ढाबे पर एक काली स्कॉर्पियो में आए 3 से 4 लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से 4 लोग छर्रे लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी। मामला 30 सितंबर की रात NH 74 पर पंजाबी ढाबे का है, जहां पर 3 से 4 बदमाशों ने फायरिंग की थी। मामला दर्ज होने के बाद सितारगंज पुलिस ने फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई शुरू करते हुए एक आरोपी को चीका घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया। बदमाश के बाकी साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। NH 74 पंजाबी ढाबे पर 3 से 4 लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग फायर के छर्रों की चपेट में आकर घायल हो गए। सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और टीम गठित की। आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी सर्वजीत सिंह को चिका घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना में इस्तेमाल 12 बोर का एक तमंचा बरामद कर लिया गया है। ढाबे पर जो कि किच्चा रोड पर है, उसके अंधाधुंध डिस्क्रिमिनेट फायर की थी इंडिस्क्रिमिनेट, तो उस फायरिंग में कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने स्वतंत्र धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी अक्यूज इन्वॉल्व थे उनके अनावरण के लिए CO किच्चा के नेतृत्व में और SHO सितारगंज और SSI सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमें गठित की और इन टीमों ने काफी मेहनत करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर किया। तो इसमें से एक मुख्य अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करने में हम लोगों ने सफलता हासिल की है और ये मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी गुंडागर्दी करेगा और कानून अपने हाथ में लेगा तो उसे किसी भी स्कूल में बख्शा नहीं जाएगा और उसपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।